हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस वेरी ब्राइट एंड रिजल्ट इंश्योरिंग प्लेटफॉर्म ऑफ साइंस वर्ल्ड एंड श्री साइंस एकेडमी। दिस इज योर बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर राजेश तिवारी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही फैसिनेटिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं, जेनेटिक्स। जैसा कि आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है, इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स। आज जेनेटिक्स में कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट की हम बात आपसे करेंगे। स्टूडेंट देखिए, लास्ट 25 ईयर से हमारी टीचिंग हो रही है और अपने इस एक्सपीरियंस के आधार पे हम जो एक्वायर एंड अचीव किए हैं उसके आधार पे हम कह सकते हैं, यही बात मैं बार बार बोलता हूँ आपसे, कि सिलेक्शन का सबसे बड़ा जो गुरु मंत्र है, जो स्ट्रेटजी है, जो इसके लिए कहा जाए कि जो एकदम जो क्लू है, वो ये है कि जो जनरल टॉपिक्स हैं या जो जो टॉपिक जो सब लोग कमांड कर लेते हैं उस पर, उस टॉपिक पर तो हमारा कमांड होना ही चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक पे भी हमारा कमांड हो जाना चाहिए जिस पर मैक्सिमम लोग कमांड नहीं हो पाते, चाहे वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हो, थोड़े से मैथमेटिकल टॉपिक भी अपने बायोलॉजी में आप जानते हैं है। कुछ ऐसे टॉपिक जो थोड़े से बोरिंग टाइप के होते हैं उसको भी लोग कई लोग छोड़ देते हैं। तो आपका जो टेक्निकल टॉपिक, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा मैथमेटिकल टॉपिक आप जानते हैं जेनेटिक्स होता है, और आने वाले समय, अभी कहना कुछ ठीक नहीं रहेगा, आने वाले टाइम में क्लासेस में आप देखेंगे कि हम थोड़ा सा जेनेटिक्स बाकी लोगों से हटके कराएंगे और अच्छा कराएंगे। देखिए भाई, आज के ज़माने में कुछ भी छिपा नहीं है, सब कुछ ओपन है, मार्केट में है, कोई हिडन क्लास किसी की नहीं है, सबको मालूम है किसी का क्या क्वालिटी है। तो आप चाहे तो सब कंपेयर करते रहिए। हम तो हर टॉपिक को कहते हैं कि हर टॉपिक को आप कंपेयर करते रहिए, जहाँ पे अच्छा मिले वहाँ पे पढ़िए। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, मैथमेटिकल टॉपिक है, ट्रिकी टॉपिक है, और आप देखेंगे इन क्लासेस में कि हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से तमाम जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं उसको हम बहुत ही सिंप्लीफाई कर पाएंगे, और इसको आप लोग जज करिएगा कि ये सब कुछ स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव है कि नहीं। हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, आप लोग देखिए, समझिए, और जैसा आप इसका असेसमेंट करें वही ठीक रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग जेनेटिक्स की आज से। अब देखिए, जेनेटिक्स में डिफिनेशन सब लोग जानते ही हैं, आप लोग ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग हैं, हर बात जानते हैं मेरा मानना है, और उसी को थोड़ा सा हम लोग ब्रशअप करते हैं, उसके हम लोग होनिंग करते हैं, थोड़ा उसमें साइनिंग ला देते हैं, हमारे एक्सपीरियंस का आपको थोड़ा फायदा मिल जाता है, और क्या, बाकी सबका पढ़े लिखे ही यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे है क्या, जेनेटिक्स का मतलब सब लोग जानते हैं, जेनेटिक्स को डिफाइन कैसे किया जाता है। अब बहुत ज्यादा इसमें हम थ्योरेटिकल बात आपसे नहीं करेंगे, हम टेक्निकली सीधे अपने पॉइंट पे पहुंचने का प्रयास करेंगे बहुत जल्दी, फिर भी डिफिनेशन तो लिखना ही पड़ेगा कि जेनेटिक्स क्या होती है। तो आप क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यही है ना, ये आप जानते हैं स्टडी होती है जेनेटिक्स क्या है। तो आप कहते हैं कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यही जेनेटिक्स है। अब इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, हेरिडिटी का मतलब जो है ये होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, यानी माता पिता के लक्षणों का संतानों में जाना, यह कहा जाए शुद्ध हिंदी में कि पितृ पीढ़ी के लक्षणों का संतत पीढ़ी में जाना ही कहलाता है हेरिडिटी, यही बात है ना। तो लिखने कोई आवश्यकता है नहीं, आप जानते हैं सब लोग, ये आपका पॉइंट आपका हो गया। हेरिडिटी क्या है, तो आप कहेंगे माता पिता के लक्षणों का संतानों में जाना, या ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग जनरेशन, ये होती है हेरिडिटी, इसकी स्टडी जेनेटिक्स करती है। फिर यहाँ पर है वेरिएशन, हिंदी में आप कहते हैं इसको विभिन्नता। तो वेरिएशन का मतलब ये होता है कि आप जानते हैं कि एक ही जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के अगर कई संतानें हैं, चाहे वो प्लांट में ले लीजिए, एनिमल में ले लीजिए, या ह्यूमन बीइंग में ले लीजिए, तो ह्यूमन बीइंग में ही हम देख लेते हैं, अगर आप जानते हैं अपने आसपास देखते हैं आप कि एक ही माता पिता की कई संतानें हैं, तो उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके जो चिल्ड्रन हैं, उनमें सफिशेंट सिमिलरिटी के साथ ही साथ पर्याप्त उसमें डिफरेंसेस भी आते हैं।
तो उन्हें डिफरेंसेस का नाम यहाँ पर होता है वेरिएशन। तो जेनेटिक्स क्या करती है, यही स्टडी करती है कि हाउ द पेरेंटल कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर टू देयर ऑफस्प्रिंग्स एंड हाउ डू डिफरेंट चिल्ड्रंस ऑफ द सेम पेरेंट डिफर, या डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट डिफर इन देयर कैरेक्टर्स। यानी एक ही माता पिता की संतानें या एक ही पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो सिमिलरिटी के साथ साथ डिफरेंस कैसे या क्यों शो करते हैं, वो आपका होता है वेरिएशन। ये डिफिनेशनों के सब जानते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि सबको मालूम है, क्योंकि ये जो टॉपिक आपका है वो क्लास 10 से शुरू हो जाता है, आप जानते हैं, चाहे किसी बोर्ड से भी आप आते हों, लेकिन जेनेटिक शुरुआत क्लास 10 से हो जाती है, आप जानते हैं। तो आपने टेंथ में भी पढ़ा, इंटरमीडिएट में पढ़ा, बीएससी में पढ़ा, एमएससी में पढ़ा, तैयारी करने के लिए पढ़ा, आगे भी कंटिन्यू करके पढ़ना ही पड़ेगा। ये टॉपिक ऐसा है बहुत ग्राउंड लेवल से लेकर बहुत एडवांस लेवल तक का है, आप जानते हैं। अब इसके फादर जो है आप जानते हैं, जेनेटिक सहजोल के फादर आप जानते हैं, ग्रेगर जान मेंडल है। तो वो सब बेसिक बातों पे या हिस्टोरिकल बातों पे हम नहीं जाते, इसलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक अपना ये इनफैक्ट है कि आप जानते हैं कि सारी बात पता लगाने के लिए, हेरिडिटी और वेरिएशन का पता लगाने के लिए क्या करना होता है, क्रॉसेस करानी पड़ती हैं। और उन क्रॉसेस को कराने के लिए आप जानते हैं कि अपने क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें सीधे सीधे, तो गैमिट्स बनाने पड़ते हैं। तो जेनेटिक्स थोड़ी टेक्निकल टॉपिक है, इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको हम लोग बार बार यूज करते हैं, तो कुछ बेसिक से टर्म्स हैं उनको थोड़ा सा हम पहले समझते हैं और उसके बाद से हम लोग सीधे सीधे गैमिट्स पे आ जाएंगे, ठीक है ना। हम सीधे सीधे वहाँ पे आ जाएंगे गैमिट पे। तो आप लोग अपने कमेंट्स, अपने डाउट हमको बताते रहिएगा, हम बीच में नज़र अपनी बोर्ड पर डालते रहते हैं। हाँ, चीज़ों को थोड़ा सा प्रयास ये करिएगा, चीज़ों को थोड़ा सा बुकिस पैटर्न से हट के जानने की कोशिश करिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। और ठीक है, अपने पास कोई एक्सपेरिमेंटल मटेरियल तो है नहीं, लेकिन हम अपने ब्रेन से विजुअलाइज तो कर ही सकते हैं ना चीज़ों को। तो देखिए, हम सीधे सीधे एकदम प्रोफेशनल तरीके से अपने उस पैटर्न को हम फॉलो एंड अडाप्ट करने जा रहे हैं जिस पैटर्न से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। बहुत ज़्यादा हमको बुकिस पैटर्न पर नहीं जाना है, हमको हमारा मतलब हमारे क्वेश्चन ट्रिकी तरीके से, आसान तरीके से सॉल्व हो जाएं। तो कुछ बेसिक बातें आपके साथ हम करने जा रहे हैं। थोड़ा सा एक हम आपको बात या एक होमवर्क टाइप का आपके लिए हम कह दें, वो ये, हालांकि आप सब जानते ही हैं कि पी प्लांट के मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे, वो 7 कैरेक्टर आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने आपसे क्या कहा, हमने आपसे ये कहा, इसको आप होमवर्क चाहे मान लीजिए अगर अभी आपके पास तैयार ना हो तो, क्या 7 कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट, 7 कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल, इसको आप लोग अवश्य एकदम से रट जाएंगे, स्टडीड बाय मेंडल, है ना, ये हमको रटा होना चाहिए। और आप जानते हैं, अगर आप इसको चाहे जो बुक ले लीजिए, हाई स्कूल की बुक ले लीजिए, इंटर की बुक ले लीजिए, ज्वालजी की बुक लीजिए, बाटनी की बुक ले लीजिए, बीएससी की, एमएससी की, कंपटीशन की, कहीं बुक ले लेंगे, यहाँ तक कि जो जीएस पढ़ते हैं आप लोग डिफरेंट कंपटी एग्जाम से, वहाँ पर भी ये मिल जाता है। तो हर जगह अवेलेबल है, आपको रटा होना चाहिए। इसके हम बार बार इसका हम यूज़ करें, इसके लिए अब इस पर हम टाइम क्या खर्च करेंगे तो आप जानते ही हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो 7 कैरेक्टर हैं, ये सब आप लोग प्रेजेंट टाइम अगर आपको याद हो तो आप अवश्य उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, और अगर नहीं याद है तो उसको आप याद कर डालिए, बिना इसके अगली क्लास में मजा आएगा नहीं, तो आप इसको अवश्य याद कर लीजिएगा। अब देखिए, इसमें हर करेक्टर के आपको दो फार्म मिलेंगे, एक मिलेगा डोमिनेंट फार्म और एक मिलेगा रिसेसिव फार्म, ठीक है ना। तो उसको भी आप अवश्य ही याद कर लेंगे, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है आपका। जैसे मान लो 3 करेक्टर 4 करेक्टर लिख देगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ करेक्टर इंक्लूड्स ऑल द डोमिनेंट करेक्टर, या ऑल द रिसेसिव करेक्टर, या 2 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव करेक्टर, ऐसे करके ऑप्शन बनते हैं, आप जानते हैं। तो उसको आप देख सकते हैं, तो उसे देख लीजिएगा। हम यहाँ पर आपसे बात क्या करेंगे, सीधे सीधे आप जानते हैं कि हमको 2-3 टर्म जानना है, और चूंकि हमको टीचिंग करना है तो हम हर बात को भाई थोड़ा थोड़ा उसको इंट्रोड्यूस हम अवश्य करेंगे। हालांकि आप सब जानते हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अब जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीन्स क्या हैं, एलील्स क्या हैं, ये सारी बातें आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी चूंकि हम लोग क्लास को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है तो हर बात को हमको प्रॉपरली एड्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से खाली एक लाइन पूछ लूं
जीन जीन आप जानते हैं, एलील्स आप जानते हैं, जीनोटाइप जानते हैं, फिनोटाइप जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आप लोग जानते हैं। तो इस पे क्या कुछ बहुत लिख के दिया जाए या लेक्चर देने से काम चल जाएगा? आप लोग जो लोग जुड़े हैं जरा हमको बता दीजिए, क्या ये सारे डिफिनेशंस हम लिखें अथवा हम इस पर ढंग से समझा दें, एक्सप्लेन कर दें तो बात बन जाएगी। हमने आपसे कहा जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीन, सेलील्स, ये टर्म्स हैं जिनका हम लोग यहाँ पे गैमेट्स, स्पोर्स, ये सब हम लोग टर्म यूज करेंगे। तो मेरा मानना है कि ढंग से एक्सप्लेन किया जाए, थोड़ा बहुत जहाँ बहुत आवश्यक वहाँ पर लिख दिया जाए। मेरी बात से आप लोग एग्री कर रहे हैं क्या? चलिए आप कमेंट लिखिए, तब तक हम देख रहे हैं। तो हम शुरू क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहला वर्ड हमारा ये है जिसका हम यूज करने वाले हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। यही शुरुआत हम लोग करेंगे। ये टर्म हमारे हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। पहले लेते हैं हम लोग फिनोटाइप। चीजों को हम समझने पे ज्यादा जोर देंगे, सिस्टमेटिकली चलना है। आज कोई बहुत टेक्निकल टॉपिक बहुत ऐसा कुछ है नहीं, आगे चल के आपको दिखेगा टॉपिक आपका थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा और कुछ ट्रिक्स अगर हम यूज करेंगे तो उसको हम आसानी से हम बाकी लोगों से अलग तरीके से उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए फिनोटाइप क्या चीज है, हर बुक में लिखा मिल जाएगा, एक्सटर्नली अपियरिंग कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीवधारी के, किसी भी प्राणी के जो बाहर से दिखाई देने वाले करेक्टर या लक्षण होते हैं वही कहलाते हैं फिनोटाइप। जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति की बात करें तो कोई व्यक्ति लंबा है कि बौना है, कोई व्यक्ति गोरा है कि सांवला है कि काला है। किसी प्लांट की बात करें तो उसका फ्लावर जो है वो कैसा है, ब्लैक है कि ग्रीन है कि व्हाइट है कि रेड है। प्लांट आपका टाल है कि ड्वार्फ है, ऐसे पी प्लांट के भी आप सुनकर पढ़े हुए हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो करेक्टर जो बाहर से दिखता है वही कहलाता है फिनोटाइप, ये सब लोग जानते हैं। चलिए हम थोड़ा नोट कर दे रहे हैं, एक्सटर्नली अपियरिंग करेक्टर शॉर्ट में ही लिखा जा सकता है, एक्सटर्नली अपियरिंग कैरेक्टर्स, यही कहलाते हैं फिनोटाइप। एक्सटर्नली अपियरिंग कैरेक्टर्स आर कॉल्ड फिनोटाइप। दूसरा टर्म क्या मिलता है हमको, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम लिख दें, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल अगर लिख दें तो हम क्या लिखते हैं यहां पे, मान लीजिए हम लिख रहे हैं, देखिए ऐसा हम कह रहे हैं कि देखिए पी को आप लोग प्योर समझिएगा जेनेटिक्स में, पी का मतलब होगा प्योर और एच का मतलब होगा हाइब्रिड, है ना। तो मैंने दिया प्योर, हमने दिया रेड, प्योर रेड लिख दिया हमने, एच मतलब हाइब्रिड, हाइब्रिड हमने टाल लिख दिया। ऐसे मान लिया हमने यहाँ पे प्योर, फिर दोबारा हमने यहाँ पे राउंड लिख दिया, फिर मान लिया हमने प्योर यहाँ पे येलो लिख दिया इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि ये बता रहा है फ्लावर कलर कैसा है, रेड है कि व्हाइट है कि कैसा है। ऐसे प्लांट की हाइट कैसी होगी हम लोग देख जाए, आप आंखों से देख सकते हैं। सीड का शेप मान लीजिए कैसा है वो हम जानते हैं, पार्ट का कलर कैसा होगा हमको आंखों से दिखाई दे सकता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो करेक्टर जो आंखों से दिखेगा उसे हम कहेंगे फिनोटाइप। अच्छा मैं आप लोगों से क्वेश्चन यहीं पर पूछ लूं, हालांकि इसका आंसर अवश्य दे देंगे, अच्छा करेक्ट, आप क्या बता सकते हैं कि इस, देखिए ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है अपने टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स का, बाकी सारे एग्जाम का भी, कि इस फिनोटाइप वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने तरह के गैमेट बनाएगा। यहीं से मैं क्वेश्चन बना लूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस खूब करेंगे और इन क्वेश्चन का आंसर हम लोग बड़े ट्रिकी तरीके से निकालेंगे, हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से कोई बात नहीं करेंगे। यहां पर आपको दिखेगा कुछ स्पेशल है हम लोगों के पास। तो क्वेश्चन अपना ये है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय गिवन फिनोटाइप, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय गिवन फिनोटाइप, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एम मंजू का शायद आंसर आ भी गया, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय गिवन फिनोटाइप।
तो मंजू का आंसर टू है। आप लोग जो और जुड़े हैं, अगर मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, हालांकि हमने बोर्ड पे लिख भी दिया है सारी बात कि हम क्या जानना चाहते हैं, तो आप लोग जरा सा इसका आंसर बताइए। आप लोग हमने आपको डिफिनेशन में बताया कि हमारी आंखों से जो करेक्टर दिख जाए या किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो करेक्टर जो बाहर से दिखता हो उसे हम कहते हैं फिनोटाइप, है ना। जैसे जैसे आप पी प्लांट को पढ़ेंगे तो फ्लावर का कलर मान लीजिए है पी प्लांट का, हमको दिखता है ग्रेड है कि पर्पल है कैसा है। प्लांट की हाइट हमको दिख सकती है कि कोई प्लांट ऐसा एनिमल ले लीजिए, प्लांट की हाइट हमको दिखाई पड़ती है। हमको स्किन कलर दिखता है कौन गोरा है कौन सांवला है कौन काला है। ऐसे किसी भी ऑर्गेनिज्म किसी भी प्राणी के वे करेक्टर जो हमको बाहर से दिखते हैं जिसको हमारी आंखें देख सकती हैं वही कहलाता है फिनोटाइप। तो मैंने कहा कि इस पर एक बहुत मैंने फिनोटाइप का सेट लिख भी दिया है, तो इस पर एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन मिलता है अपने डिफरेंट एग्जाम में और लगभग हर साल रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे फिनोटाइप लिख दिया जाएगा या जीनोटाइप लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कितने तरह के गैमेट्स बनाएगा। ये मैंने पूछा है कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड कितना बनाएगा। तो इसका एक बड़ा ही आसान तरीका है, आप जानते भी होंगे, मैं भी करके दिखा दे रहा हूं। मंजू का आंसर आया टू, शायद ठीक होगा वो आंसर। इसमें आप एक बात खाली याद रखिएगा, वो याद क्या रखना है आपको कि हाइब्रिड की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी, जो हम ट्रिक यहां यूज करने जा रहे हैं, हाइब्रिड की न्यूमेरिकल वैल्यू आप यहां पे टू याद कर लीजिए और प्योर की न्यूमेरिकल वैल्यू आप यहां पे वन याद कर लीजिए। अब क्यों टू और क्यों वन है मैं थोड़ा बता दूं आपको। आप जानते हैं हाइब्रिड जो होते हैं उनके पास एक जीन के दोनों एलील होते हैं, हाइब्रिड्स में दोनों एलील, हालांकि आगे टर्म आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो आगे हम बताने वाले हैं एलील जीन क्या है एलील क्या है। तो एक ही एक जीन के दोनों एलील जिस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो वो कहलाता है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में उस कैरेक्टर के दोनों एलील होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर टू हो गई। और प्योर में किसी भी जीन का केवल एक एलील पाया जाता है, इसलिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे वन हो गई। तो हमने आपको रीजन बता दिया, हालांकि रीजन की कोई यहाँ पे आवश्यकता है नहीं, आप थोड़ा सा याद कर लीजिए कि हाइब्रिड की न्यूमेरिकल वैल्यू टू और प्योर की वन। हाँ कोई पूछे ऐसा क्यों है तो बता दीजिएगा, बिकॉज हाइब्रिड्स हैव टू एलील्स ऑफ द जीन या कंसर्न जीन, व्हाइल प्योर्स है ओनली वन एलील ऑफ द जीन। अब क्या करिए कि हर प्योर की वैल्यू वन, हर हाइब्रिड की वैल्यू टू, इनका आपस में गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे कितना भी लंबा कोई लिख ले इसका आंसर आसानी से हम बता पाएंगे। देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है प्योर रेड ना, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी वन हो जाएगी इन टू। देखिए यहाँ पर हाइब्रिड टाल लिखा है, इसकी वैल्यू यहाँ हाइब्रिड यहाँ टू हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे प्योर राउंड लिखा है, प्योर प्योर का मतलब वन हो जाएगा इन टू। देखिए यहाँ पर भी लिखा है प्योर येलो, यहाँ पर भी वन हो जाएगा, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वन इंटू टू इंटू वन इंटू वन कितना हो जाएगा टू। तो आंसर आपका टू आएगा। मंजू ने आंसर दिया था और उनका आंसर बिल्कुल ठीक था, ठीक ना, इनका आंसर बिल्कुल ठीक था। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि फिनोटाइप क्या होता है। तो आप कहेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो करेक्टर जो हमको हमारी आंखों से दिखता है या जो बाहर से दिखाई पड़ता है वो कहलाता है फिनोटाइप। इस पर क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। आगे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से आप जानते हैं होता है जीनोटाइप, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या चीज, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग जीन की डिफिनेशन लें तो जीन की कई डिफिनेशन होती हैं। जैसे आप पढ़ते हैं जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी एक बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं कि जीन इज दैट एंटिटी विच डिटरमिन्स द करेक्टर, या जीन इज दैट स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमिनिंग द करेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जीवधारियों के लक्षणों को निर्धारित करने वाली संरचना को ही जीन कहते हैं। जीवधारियों के लक्षणों को निर्धारित करने वाली संरचना को ही जीन कहते हैं, ये हो गई। तीसरी बात आप कहते हैं कि जीन इज द ट्रांसफरिंग व्हीकल ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, या एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए जो व्हीकल है उसी का नाम है जीन। ऐसे ही दो बात आप और याद कर लीजिए, वो ये है
हालांकि आगे चल के जीन पर हम लोग कई और बातें करेंगे, जैसे सिस्ट्रॉन, रेकॉन, म्यूटॉन, ये सब जीन के ही कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन जो चीज बहुत ही प्रैक्टिकेबल है, जिसको आप अवश्य ही जानते हैं और जानना भी चाहिए, वो ये है कि जीन हमारा जो होता है, इसको आप रियलाइज कर सकते हैं बिल्कुल। जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, डीएनए का सेगमेंट, खंड होता है। और डीएनए सब लोग जानते हैं क्या चीज है, उसे डेल आप पढ़े हैं और यहां भी पढ़ा जाएगा। तो डीएनए का एक टुकड़ा है कुछ शर्त के साथ, और वो शर्त क्या है कि उस डीएनए के सेगमेंट में कम से कम एक करेक्टर को डिसाइड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। हम क्या कह सकते हैं, डीएनए का वह सेगमेंट जो कम से कम एक करेक्टर को डिसाइड करे, वो जीन कहलाता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा डीएनए का वो सेगमेंट जो कम से कम एक करेक्टर को डिसाइड करे, वो जीन कहलाता है। इसको मैं लिख भी रहा हूं, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज कैपेबल, ये शर्त है। अगर इस शर्त का पालन नहीं करेगा डीएनए का सेगमेंट, तो फिर वो डीएनए का सेगमेंट तो रहेगा बट जीन नहीं रहेगा। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन, प्रकट होना, रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ एटलीस्ट वन करेक्टर, एटलीस्ट वन करेक्टर। हम जीन पर और ढेर सारी बात आपसे करेंगे, लेकिन अभी इतना ही। अच्छा देखिए, सारी बातें थोड़ा सा इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि जो लोग LTGIC को वेट कर रहे हैं, शायद इलेक्शन बाद जल्दी ही वो अनाउंस होने वाली है, उसमें आप जानते हैं कि वहाँ पर एक मेंस का पेपर होता है जिसमें आपको लिखना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास कंटेंट इस तरह के चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है, ऐसे आपने पढ़ा होगा वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ये बात जरा याद रखिएगा, ये बात याद रखने लायक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हमारे लिए वही चीज़ लायक है। देखिए, एक तो भाई आप जानते हैं इन्फॉर्मेशन कोई भी हो हमारे काम आएगी, आज नहीं तो क्या कल, लेकिन एक जो तुरंत हमको आवश्यक है, जो जिससे क्वेश्चन प्रोबेबल है हमारे कम नेक्स्ट कमिंग एग्जाम्स में, उस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं जो लिखने जा रहा हूँ ये वो पार्ट है जो हमारे एग्जाम फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, ठीक है ना। मैं नाम लेने जा रहा हूं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस का, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। और आप लोग का आई होप कि सबको याद होगा, फिर भी आप लोग जैसा नाम लिखिए उस साइंटिस्ट का जिन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया था। इसके लिए इनफैक्ट दो साइंटिस्ट हैं, इसके लिए उन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था। आप बताइए, तब तक आप लिखिए, मैं भी लिख रहा हूं कि According to one gene, one enzyme hypothesis. According to क्या नाम उसका है, one gene, one enzyme hypothesis, one enzyme hypothesis. ये आपको नाम याद होना चाहिए, hypothesis. इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जीन डीएनए, यहां पर भी डीएनए के सेगमेंट की ही बात जीन कही गई है, जीन इज दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटलीस्ट वन एंजाइम, है ना। हाँ देखिए, मंजू ने इसका भी सही आंसर दिया है, बिडल एंड टेटम। आप लोगों को ही मालूम होगा, लेकिन आप लोग लिख नहीं रहे हैं जो जुड़े हुए हैं, लिखना चाहिए, कमेंट देना चाहिए। ए हाइपोथेसिस है बिडल एंड टेटम की, इसमें क्या कहा गया है, यहां पर डीएनए के सेगमेंट को ही कहा गया है, है ना, यहां पर भी डीएनए के सेगमेंट को ही कहा गया है जीन, लेकिन बात थोड़ा बदल के कही गई है। क्या कही गई है कि डीएनए का वह सेगमेंट जो कम से कम एक एंजाइम को सिंथेसिस करने के लिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन रखता हो या कैपेबल हो, उसे कहते हैं हम लोग जीन, ठीक है ना। तो यहां भी डीएनए का सेगमेंट ही है, लेकिन ऊपर कहा गया था एटलीस्ट वन कैरेक्टर की बात की गई थी, एटलीस्ट वन कैरेक्टर की बात की गई थी जो रेगुलेट कर सके डीएनए का सेगमेंट। और यहां पे क्या कहा, यहां पर हमने लिखा नहीं है, खाली बोल दे रहा हूं क्या,
कि डीएनए का वह सेगमेंट जो कम से कम, यानी कि क्या लिखा हुआ है कार्टू, वन जीन वन एंजाइम लिखा हुआ, देखिए लिखा है ना एंजाइम, तो डीएनए का वह सेगमेंट जो कम से कम एक एंजाइम के सिंथेसिस करवा सके या उसको रेगुलेट कर सके उसको हम कहते हैं जीन। और साइंटिफिक नाम मंजू ने बताई दिया, मैं भी लिख दे रहा हूं क्या, बीडल एंड टेटम, टेटम याद रखिए लोग नोबेल लॉरेट हैं, ये बताने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है ना। हालांकि इसका नया वर्जन आ गया है अब इसका जो नया वर्जन है, अब इसकी क्या डिमेरिट थी, क्यों इसको बदल दिया गया, वो सब कभी आपसे हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। अब उसमें अब कहा जाता है वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, उस पर कभी बात करेंगे ढंग से क्या है, क्यों बदला गया उसको। तो जीन को क्या समझना है, अभी हम क्या समझ पाएंगे, अभी हम जीन को सेगमेंट ऑफ डीएनए कह के चल रहे हैं, है ना, अभी हम जीन को सेगमेंट ऑफ डीएनए कह के चल रहे हैं दो शर्त के साथ। क्या लिखा है, कम से कम एक जो है वन कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सके या कम से कम एक एंजाइम के सिंथेसिस को रेगुलेट कर सके, उसको हम लोग जीन कह के चल रहे हैं। और ये बात डीएनए सबने स्ट्रक्चर पढ़ी है, सबको आइडिया है, डिटेल में हम यहाँ पर बात उसके बारे में बात करेंगे, बस उसी के टुकड़े को हम यहाँ पर जीन कह रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नॉट जीन। जैसे कह दिया जाए, कोई पूछे आपसे कि टीचर कौन होता है, तो कहते टीचर एक आदमी होता है, ड्राइवर कौन है, ड्राइवर एक आदमी होता है, डॉक्टर कौन, डॉक्टर एक आदमी होता है, वकील कौन, वकील एक आदमी होता है, ठीक है, आपका आंसर ठीक है, लेकिन आपके इस आंसर में डिफरेंट जो प्रोफेशनल सेंस में डिस्टिंक्शन नहीं दिख रहा है, हर बार वही बोल रहे हैं, एक आदमी होता है, स्टूडेंट क्या है, एक आदमी है, टीचर क्या है, एक आदमी है, ड्राइवर एक आदमी है, सब कुछ आदमी है, सही है भाई, आदमी है। लेकिन अगर इस बात को आप थोड़ा सा उस आदमी के प्रोफेशन से जोड़ के कहते तो डिस्टिंक्शन भी हो जाता। जैसे कहते कि टीचर वह आदमी है जो कम से कम एक सब्जेक्ट एक टॉपिक पढ़ाता हो, यही ना, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट मत पढ़ाओ भाई, कम से कम एक चैप्टर पढ़ाओ, तो उस जो चैप्टर आप पढ़ाओगे हम उसका टीचर कह देंगे। ऐसे स्टूडेंट हैं तो ठीक है, स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि क्या आप लगता है कि आपकी उम्र का हर व्यक्ति स्टूडेंट है, नहीं भाई, जो स्टडी करेगा उसे स्टूडेंट हम कहेंगे, आप क्या कहेंगे, स्टूडेंट इज दैट पर्सन विच स्टडीज एटलीस्ट वन, एक मिनट जस्ट वेट फॉर जी, सारे फॉर इंटरप्शन। तो हमारा सही कह रहे थे कि अगर उसको हम प्रोफेशन जोड़ दें तो टीचर वही होगा जो कम से कम एक टॉपिक पढ़ाता हो, ऐसे स्टूडेंट वो पर्सन है जो कम से कम किसी एक कोर्स को परसू कर रहा हो,
क्या ड्राइवर वो है जो कम से कम कोई ना कोई एक गाड़ी चलाता हो, ठीक ना। उसी तरह से याद रखिएगा कि डीएनए का सिर्फ वही सेगमेंट जीन है जो कम से कम एक करेक्टर को रेगुलेट करता हो या जो कम से कम एक एंजाइम के सिंथेसिस को रेगुलेट करता हो। इसका डिटेल आपके सिलेबस में याद करिए, हम लोग पढ़ते हैं। डीएनए पहले ट्रांसक्राइब होता है तो आप जानते हैं आरएनए बनता है, फिर वो ट्रांसलेट होता है तो आप जानते हैं प्रोटीन बनता है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, वहीं से बात आई है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ जीन, तो जीन के तमाम आस्पेक्ट हैं, इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जीन का मतलब सिंपली डीएनए का सेगमेंट हम कह के चल रहे हैं। और ये कैपेबिलिटी उसके अंदर होना चाहिए कि कम से कम एक करेक्टर को एक्सप्रेस कर सके वो, या कम से कम एक एंजाइम के फॉर्मेशन को रेगुलेट कर सके, उसे हम जीन कह रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक वर्ड हमको और जरूरत पड़ेगी, क्या देखिए, अभी जिस पर बात हम कर रहे थे वो क्या था, जीनोटाइप। तो होता क्या है, जब आप कह रहे हैं कि क्या होता है कि हमारे करेक्टर को रेगुलेट करता है वो, इसका मतलब हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो भी करेक्टर्स हैं उसको कोई जीन ही रेगुलेट करता है। इसका मतलब अगर हमारे पास सेट्स ऑफ करेक्टर्स हैं तो हमारे पास सेट्स ऑफ जीन भी होने चाहिए, बिकॉज ईच एंड एवरी करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन। तो अगर हमारे पास करेक्टर के तमाम हमारे पास सेट हैं, ढेर सारे करेक्टर हमारे हैं, तो उसने जी हमारे पास जीन होने चाहिए कम से कम। तो होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो जीन का एक सेटअप होता है, जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है या जो जेनेटिक मेकअप होता है, उसी को हम कहते हैं जीनोटाइप। यानी हम देखे कैसे लिख सकते हैं जीनोटाइप को, थोड़ा सा देखिए हमने बता दिया यहाँ पर, आगे हम आगे बात कर ले रहे हैं यहाँ पे कि जीनोटाइप क्या चीज है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे अभी अच्छा सा कि जीनोटाइप क्या चीज है। तो एक लाइन में याद रखिए क्या, जेनेटिक मेकअप, इसी लैंग्वेज का यूज कर एक क्वेश्चन पूछा गया है, जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स ये कह रहा था जीनोटाइप। अब इस पर भी जैसे आपने कहा कि फिनोटाइप देके क्वेश्चन पूछा गया है, उसी प्रकार से जीनोटाइप देख करके भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, विच ऑफ द, यानी क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा, हम इसमें से एक ले रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाई द ऑर्गेनिज्म इज गिवन जीनोटाइप, या दिए गए जीनोटाइप, इसको हिंदी में जीनीय रूप कहा जाता है, दिए गए जीनोटाइप या जीनीय रूप द्वारा कितने प्रकार के गैमेट बनाए जाएंगे, यही लिखा रहेगा। तो मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन वही, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स ऐसे लिखा रहेगा विल बी प्रोड्यूस्ड बाय गिवन जीनोटाइप। हम यहाँ पे जीनोटाइप लिख दे रहे हैं और आप इसका गैमेट का टाइप बताएंगे। जीनोटाइप मैं लिख रहा हूं ये है, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई एंड कैपिटल जी, एक जीनोटाइप ए है। क्वेश्चन नंबर वन मान लीजिएगा, इसमें बताना है कितने तरह का गैमेट बनेगा। और यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर टू लिख ले रहा हूं, क्वेश्चन वही है, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं, बोल दिया है क्या कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाई ऑर्गेनिज्म विथ गिवेन जीनोटाइप, इस गिवेन जीनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म द्वारा कितने तरह गैमेट बनाए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पूछ रहा हूं आपसे क्या, वो ये है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, ऐसे कैपिटल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई और कैपिटल जी, एक एक क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग। ये दो क्वेश्चन हमारे हैं, इनको सॉल्व करना है। तो जो लोग इसका आंसर दे सकते हैं दीजिए, मैं थोड़ा सा वेट कर ले रहा हूँ कुछ सेकंड, और बाकी तो हम बताएंगे। तो प्रेजेंट टाइम में जिनको इन क्वेश्चंस के आंसर मालूम है वो इसको बताएं, बाकी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बिना कोई गैमेट बनाए सीधे इन क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। आप लोगों के ट्रिक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी,
आराम से हम समझ जाएंगे। मंजू ने आंसर दिया है 1 and 8 और मंजू का आंसर सही रहता है, इसका भी आंसर सही होगा। देखिए इसमें आप एक बात खाली समझें जिसका डिटेल अभी हम करने वाले हैं, वो ये है कि अगर देखिए इस पर मैं कोई साइंस नहीं लगाने जा रहा हूं, एकदम मैं एक सिंपली एक सामान्य बात बोलने जा रहा हूं, साइंस को मानिएगा ही मत, हालांकि है तो साइंस जेनेटिक्स है। आप खाली ये देखिएगा कि पेयर में कितने प्रकार के लेटर हैं, ये जोड़े में कितने प्रकार के लेटर हैं, तो जितने टाइप के लेटर होंगे वही उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। देखिए हम लोगों ने पीछे देखा था इसके पहले कि यहाँ पे शब्द लिखे थे, रेड लिखा था कहीं, कहीं टाल लिखा था, कहीं ग्रीन लिखा था। तो अगर देखिए अगर हम बिल्कुल नॉन साइंटिफिक तरीके से खाली जनरल इंटेलिजेंसिया का यूज करके बात करें तो जो करेक्टर वर्ड में लिखा रहेगा उसको हम समझेंगे फिनोटाइप, और जहां पे ऐसे लेटर लिखे उसे कहेंगे हम लोग जीनोटाइप, ये बात कहा जाएगा। तो अब आप समझिए जहां पे ऐसे लेटर लिखे हों, जीनोटाइप लिखे हों, वहां पे क्या समझिए कि जिस पेयर में 2 टाइप के लेटर होंगे उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 हो जाएगी। देखिए टाइप का मतलब क्या है कि देखिए इसमें एक कैपिटल लेटर है, किसमें स्मॉल लेटर है, यहाँ 2 तरह के लेटर हैं तो वैल्यू क्या हो गई इसकी 2 हो गई, है ना। तो इसके न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 हो गई, और जहाँ पे खाली एक ही तरह के करेक्टर लेटर्स होंगे उनकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे खाली ओनली 1 टाइप के लेटर हैं इनकी वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, यहाँ पे 2 टाइप के इनकी वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है, बिना कोई साइंस यूज किए, बिना कोई जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज किए इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। मतलब एक नॉन साइंस ग्राउंड का पर्सन भी इसका आंसर बता सकता है, ठीक है ना। थोड़ा साइंस के टर्म में अगर बात करेंगे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग एलीलिक कम्बिनेशन पढ़ेंगे और वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि अगर पेयर के दोनों एलील, ध्यान दें वहां पर हम लोग एलील वर्ड पढ़ेंगे, और एलील में पढ़ेंगे कि हर जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, एक डोमिनेंट फॉर्म और एक रिसेसिव फॉर्म। हम बोलेंगे वहां पर कि ईच जीन हैज 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स, है ना, हर जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, और अल्टरनेटिव का मतलब क्या है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, ठीक है ना, और यही दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म एक दूसरे के एलील कहलाते हैं। इसी को बुक में 60 में लिखा रहता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन इज कॉल्ड एलील, ये लिखा मिलता है। तो उसमें यही कहते हैं, आप समझने के लिए क्या कह सकते हैं कि हर जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म या रूप होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, और यही दोनों एक दूसरे के एलील कहलाते हैं, ये बात है। तो खैर वो साइंस की बात हुई, तो उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ेंगे कि अगर पेयर के दोनों एलील, यहाँ जो लेटर्स लिखे गए हैं ना वास्तव में एलील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो कैपिटल लेटर है वो क्या है, डोमिनेंट फॉर्म ऑफ एलील है, और जो स्मॉल है वो क्या है, वो रिसेसिव फॉर्म ऑफ एलील है। तो अगर पेयर के दोनों एलील डिफरेंट हों, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो, इसको हेटरोजाइगस कहा जाता है, हेटरोजाइगस। तो हेटरोजाइगस की वैल्यू होती है 2, और अगर पेयर के दोनों ही एलील एक नेचर के हों, या तो दोनों के दोनों आप देखिए यहाँ पे कैपिटल मतलब डोमिनेंट हों, या फिर दोनों के दोनों यहाँ पर रिसेसिव मतलब स्मॉल हों, मतलब दोनों अगर एलील एक जैसे हों, चाहे दोनों डोमिनेंट हों चाहे दोनों रिसेसिव हों, तो उसे कहा जाता है होमोजाइगस कॉम्बिनेशन ऑफ एलील, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है 1 होती है, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यू को 1 लिख दीजिएगा, और लिखने के बाद सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो साइंस की बात रही, जेनेटिक्स की बात रही, हमको जानना है, हम लोग जानते भी हैं कि हेटरोजाइगस की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 होती है, होमोजाइगस की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, और उन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा आंसर, ठीक है ना। और अगर मान ली होमो हेट्रो मान ली भूल भी जाए हम, तब क्या याद रखना है कि अगर पेयर के दोनों लेटर अगर डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, 2 टाइप के होंगे, तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, और अगर पेयर के लेटर अगर दोनों एक ही जैसे हों तो उनकी वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो जो भी आपको बात याद रहे उसका यूज कर लीजिएगा।
तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो गई 2, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू भी हो गई 1, इसकी वैल्यू भी हो गई 2, इसकी वैल्यू हो गई देख रहे हैं 1, इसकी वैल्यू हो गई 2, और अब सबकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 1 × 1 × 2 × 1 × 2 हो जाए कितना 8, इसका आंसर यहाँ पेट आ जाएगा। तो मंजू का सेकंड क्वेश्चन सही है बिल्कुल। फर्स्ट में आप क्या देख पा रहे हैं, साफ साफ यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ देखिए यहाँ पर पेयर में एक ही तरह का लेटर है तो वैल्यू इसकी 1 हो गई, इंटू देखिए यहाँ पर भी एक ही तरह का लेटर है वैल्यू इसकी 1 हो गई, इंटू यहाँ भी एक ही टाइप का लेटर है 1, इंटू यहाँ पर 1 टाइप का लेटर है 1, इंटू यहाँ पर भी एक ही तरह का लेटर है 1, इंटू यहाँ पर भी एक ही तरह का लेटर है 1, कितना हो जाएगा 1। यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है ये जीनोटाइप वाला, वो खाली एक ही तरह का गैमेट बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने तरह के गैमेट बनाएगा उसके जीनोटाइप अथवा फिनोटाइप की लंबाई देख के मत अनुमान लगाइएगा, नहीं नंबर आप करेक्टर गिनिएगा, नहीं आप नंबर आप पेयर साफ जीनोटाइप गिनिएगा, कुछ नहीं गिनना है, बस ये ध्यान देना उस असल में वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो भी गिवन जीनोटाइप है उसके एलील्स यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में है अथवा हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, मतलब पेयर के दोनों एलील अगर समान हैं तो सबकी वैल्यू एक ही होगी, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा। और मान लीजिए कि अगर आप देख रहे हैं कि नहीं यहाँ पे 2 टाइप के लेटर है तो वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी जीनोटाइप अगर लिखा रहे तो उस जीनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म द्वारा कुल कितने तरह के गैमेट बनाए जाएंगे इसका हम आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करके फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं इसी जीनोटाइप वाले पर, एक गैमेट एक हम और यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन जीनोटाइप है आपका, गिवन जीनोटाइप है, हालांकि जिन्होंने पहले दो क्वेश्चन कर लिए उनका अब कोई भी फिनोटाइप हो कोई भी जीनोटाइप हो कोई उनसे गलती होने वाली नहीं है, वो आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। फिर भी हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल एस कैपिटल जी स्मॉल जी और यहाँ पे स्मॉल वाई बस ये है जीनोटाइप इसका। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि इस जीनोटाइप वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने टाइप के गैमेट बनाएगा। और आपने ये दोनों तरह के क्वेश्चन पे आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया तो आपके एक क्वेश्चन की गारंटी हो जाएगी, ठीक है ना, आपके एक क्वेश्चन की गारंटी हो जाएगी। मतलब कि कोई फिनोटाइप दिया हो तो आपको नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमेट निकालने आता हो, और कोई भी अगर जीनोटाइप लिखा हो तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमेट निकालने आता हो तो आपका एक क्वेश्चन गारंटी से हो जाएगा आपके एग्जाम में, है ना। बताइए इसका आंसर मंजूर लिया है 4, बाकी लोग भी आई होप कि अब सॉल्व कर पा रहे होंगे, आपको कमेंट लिखने चाहिए आंसर लिखने चाहिए। तो बड़ा आसान तरीका है, हम लोग देख ही लिए हैं क्या है वो प्रोसेस, क्या ये है कि अगर पेयर में दो तरह के लेटर हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 इंटू देखिए यहाँ पे खाली एक ही तरह के लेटर हैं दोनों कैपिटल आर है तो 1 हो गया, यहाँ देखिए दोनों ही स्मॉल टी हैं एक ही तरह का है तो 1 हो गया, यहाँ देखिए दोनों ही आप देख रहे हैं कैपिटल एस एक ही तरह का है तो 1 हो गया इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ देख रहे हैं कि ये कैपिटल जी स्मॉल जी दो तरह के लेटर्स हैं तो यहाँ पर 2 हो गया, इंटू यहाँ देखिए खाली एक ही तरह के लेटर हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा आप देख रहे हैं गुणा करके देख लीजिए तो आपका 4 आएगा, यानी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा अब इस तरह और प्रैक्टिस आप और कर सकते हैं लिख करके, या पिछले साल के पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं, आप देखें कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो रहा है, ठीक है ना।
तो जैसे हमने जीन टर्म को एक्सप्लेन किया है, वैसे ही हम यहाँ पे एलील टर्म को एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। हालांकि हमने बता दिया पहले ही कि हर जीन के दो जो होते हैं अल्टरनेटिव फार्म होते हैं वो कहलाते हैं एलील। शायद एक बात समझिएगा, अभी हम लोग जितनी बातें कर रहे हैं वो सारी बातें मेंडेलियन जेनेटिक्स से कर रहे हैं। जब हम मॉडर्न जेनेटिक्स में जाएंगे तो वहां पर बातें बदल जाएंगी। जैसे आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक जीन है, वन जीन है, तो आप यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसके टू एलील्स हैं, एक इसमें से डोमिनेंट होता है और एक यहाँ पर रिसेसिव होता है, और इस तरह से कितना हो जाएगा, टू एलील हो जाएंगे, टू एलील्स होंगे। और जिस कॉन्सेप्ट में ये बात कही जाती है उसे कहते हैं डाई एलिलिक कॉन्सेप्ट, ये कहलाता है डाई एलिलिक कॉन्सेप्ट। तो जो मेंडल की जेनेटिक्स है या जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। लेकिन आगे चल के हम पढ़ेंगे वहां पे कहा जाएगा कि एक ही जीन के हम क्या बोलने जा रहे हैं, मोर देन यहां पे टू लिखा है ना, यहां पे मैं मोर देन टू लिख रहा हूं, मोर देन टू एलील्स, मोर देन टू एलील्स। यहां कह रहे हैं टू एलील्स, यहां क्या बोल रहे हैं, मोर देन टू एलील्स। ध्यान दीजिएगा बात बदल गई, यहां कह रहे हैं मोर देन टू एलील्स, मोर देन टू एलील्स। ऐसी बात हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी को हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म, है ना, इसे हम कहने वाले हैं आगे चल के मल्टीपल एलिलिज्म। तो इस तरह की बात हम लोग वहां पर करेंगे। लेकिन ये जो मल्टीपल एलिलिज्म की बात है वो हम लोग आगे चल के अपनी मॉडर्न जेनेटिक्स में यूज करेंगे। जब तक मेंडेलियन को पढ़ेंगे तब तक हम यही कहते रहेंगे कि हर जीन के केवल दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, एक उसमें से डोमिनेंट होता है, एक उसमें से रिसेसिव होता है, यानी एक जीन के केवल दो ही एलील्स होते हैं, ऐसे हम कहते हैं डाई एलिलिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है वो इसी पर बेस्ड है, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है वो इसी पर बेस्ड है। लेकिन मॉडर्न में हमारी बात बदल जाएगी। तो इस तरह से अभी प्रेजेंट टाइम में हम दो ही एलील रख के सारी बात आपसे करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा एलील को हम फार्मूली ले लेते हैं ताकि ये बात अधूरी ना रह जाए। तो अगर हम एलील की बात करें आपसे, एलील तो देखिए ऐसा है, क्या पूरा टर्म है एलीलोमार्फ, एलीलोमार्फ है, और इसी एलीलोमार्फ को ही हम शॉर्ट में एलील कहते हैं, है ना। पूरा टर्म क्या है, एलीलोमार्फ, और इसी एलीलोमार्फ को हम शॉर्ट में एलील कहते हैं। हम यहाँ क्या कहते हैं ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझते हैं इसको, हालांकि मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन, अल्टरनेटिव लिखने के लिए रह गए, फॉर्म ऑफ सेम जीन। थोड़ा सा इसे हम एक्सप्लेन करते हैं अपने तरीके से। देखिए यहां पर बात यह है, मान ली हमने एक करेक्टर लिया, हमने करेक्टर लिया प्लांट हाइट, प्लांट हाइट, मान लो हम पी प्लांट की ही बात करें तो प्लांट हाइट हमारा करेक्टर हो गया। हम सब लोग पढ़े हैं कि प्लांट हाइट के दो फॉर्म होते हैं, उसमें जो डोमिनेंट होता है वो होता है टॉल और रिसेसिव होता है ड्वार्फ, हम सब जानते हैं। तो मान लीजिए हम प्लांट हाइट को यहाँ पे टॉल एंड ड्वार्फ यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, टॉल एंड ड्वार्फ, इसके दो फॉर्म हो गए टॉल और ड्वार्फ। इसमें आप जानते हैं कि जो टॉल है वो कैसा है, डोमिनेंट है। आगे हम पढ़ेंगे भी कि मेंडल ने कैसे डिसाइड किया था कि कौन सा करेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा फॉर्म इसका रिसेसिव है, इस पर चर्चा हम लोग डिटेल में करने वाले हैं, किया जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए हमको याद था, आपको भी याद है, लिख दिया गया, लेकिन मेंडल को तो याद था नहीं, वो खुद फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, कौन बताया होगा उनको। तो उन्होंने कुछ स्पेशल सेट्स, जो स्पेशल टेक्निक्स उन्होंने यूज किया था एक्सपेरिमेंट या क्रॉस कराने की, जिसके आधार पे वो बता पाए थे, और उस टेक्निक इतनी इंटेलिजेंट थी कि आज भी उसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखेंगे उसको भी आगे हम। अभी प्रेजेंट टाइम में टॉल और ड्वार्फ दो फॉर्म होते हैं,
अच्छा फिर आप क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हर करेक्टर का कोई ना कोई आप जानते हैं कि जीन होता है, इसका कोई ना कोई आप जानते हैं जीन होगा, क्योंकि हम बाय डिफिनेशन जानते हैं जीन क्या होता है। जीन डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो कम से कम एक करेक्टर को डिसाइड करता हो, या भी हम कह सकते हैं इसका उल्टा, ईच एंड एवरी करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पर्टिकुलर जीन। तो हर लक्षण के कोई ना कोई जीन तो होंगे ही होंगे, यहाँ पर जीन होगा। तो उस जीन को हम क्या करते हैं, किसी इंग्लिश अल्फाबेट से लिखते हैं। अब देखिए लिखने का तरीका ये होता है, जो इंटरनेशनल जो क्राइटेरिया है वो ये है, ध्यान दीजिएगा, कि हम जो जीन्स हैं उनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो जो रिसेसिव फॉर्म होता है उसके पहले लेटर को लिखते हैं, यानी कि प्लांट हाइट को डी से लिखा जाना चाहिए। लेकिन आप जितने भी इंडियन ऑथर की बुक देखेंगे हर जगह वहाँ पे टी से लिखा है, मतलब कि डोमिनेंट फॉर्म को यहाँ पर लेते हैं। जैसे कहा जाता है ना, हम इंडियन जो हैं वो करेक्टर या कहा जाए कि रूल्स तोड़ने में बड़ा मजा आता है, तो हमको लगता है यहाँ पर भी लोगों ने रूल तोड़ दिया है। इंटरनेशनल नॉर्म ही है कि जेनेटिक नोटेशन शुड बी टेकन फ्रॉम द रिसेसिव, इसको हम कहते हैं लोअर फॉर्म या लोअर केस कहते हैं। रिसेसिव को असल में जेनेटिक भाषा में लोअर केस कहा जाता है और डोमिनेंट को अपर केस कहा जाता है। तो खैर वो सब बाद में देखा जाएगा, प्रेजेंट टाइम इसको डोमिनेंट रिसेसिव ही कहिए। हम नहीं चाहते कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बोरिंग लगने लग जाएं, कि नया नया हर चीज़ नहीं सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जानना जरूर चाहिए कि डोमिनेंट को अपर केस और रिसेसिव को लोअर केस ही वास्तव में जेनेटिक्स भाषा में कहा जाता है। और जेनेटिक्स का जो होता रूल है, याद रखिएगा कि जो रिसेसिव जो फार्म होता है उसका पहला लेटर हम जीन को लिखने में यूज करते हैं। लेकिन बुक्स में चूंकि आपको यहाँ पर टॉल का टी मिलेगा, तो मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं भी इंडियन ही हूँ, मैं भी यहाँ पर टॉल लिखने जा रहा हूँ, हालांकि ये सही नहीं है, फिर भी चले लिख लेते हैं। तो जीन को मान लीजिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं ऐसे टी से, हिंदी में हम टी से लिख रहे हैं। टी क्या है, तो आप कहेंगे कि प्लांट हाइट को रेगुलेट करने वाला जीन है, प्लांट हाइट को रेगुलेट करने वाला जीन है, यहाँ पर को मैं टी से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए आप जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश में चीज़ों को हम लोग दो तरीके से लिख पाते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई लेटर है तो हम दो तरीके से लिख पाएंगे। तो कैसे लिख पाएंगे कि टी को एक बार लिखेंगे किससे, हम लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल टी लिखेंगे, और एक बार हम लिखेंगे स्मॉल टी, ऐसे हमारा हो गया। तो इस तरह से हमने इसको, इस जो हमारा जो लेटर है टी, हमने दो तरीके से लिख लिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हमारा हो गया। अब टी क्या है, तो आपने कहा कि जीन है इस प्लांट हाइट वाला, तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, असल में यही एलील्स हैं। आपने कहा कि हर जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। आप जानते हैं डोमिनेंट वाले को हम कैपिटल से लिखते हैं और रिसेसिव वाले को स्मॉल से लिखते हैं। तो इस तरह से कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हुए, ये दो अल्टरनेटिव फॉर्म हुए। अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। या लेटर का यूज करें तो हम लोग एक कैपिटल एक स्मॉल को हम अल्टरनेटिव कहते हैं, है ना, ये हुआ अल्टरनेटिव। अब देखिए जरा साहब, अब आप कह सकते हैं लॉजिकली, वो लॉजिक देखिए क्या है, लॉजिक ये है कि जब हर करेक्टर के दो फॉर्म होते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव, तो उस करेक्टर के या करेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन के भी दो फॉर्म होने चाहिए, एक उसका डोमिनेंट फॉर्म एक उसका रिसेसिव फॉर्म। तो आप यहां से कह सकते हैं जीन के भी दो फॉर्म होने चाहिए, तो करेक्टर के भी दो फॉर्म होने चाहिए होते हैं, तो जीन के भी दो फॉर्म होने चाहिए। अब देखिए इसमें से यहां पर जो इसके डोमिनेंट फॉर्म को रेगुलेट करेगा उसे हम डोमिनेंट फार्माफेलिल कह देंगे, और जो इसके रिसेसिव फॉर्म को रेगुलेट करेगा उसे हम रिसेसिव फार्माफेलिल कह देंगे। यानी हमारे एग्जांपल में जो कैपिटल टी है वो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल एलील है, और जो स्मॉल टी है वो ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल एलील है, ठीक है ना। तो हम आप साफ साफ समझ गए, तो हम यहाँ दो डिफिनेशन कर सकते हैं कि हर मेंडेलियन करेक्टर के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, उसमें से एक डोमिनेंट होता है। ये समझने वाली बात मैं आपसे कर रहा हूँ, बुक के डिफिनेशन में लिख चुका हूँ ऑलरेडी, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन। इसको पढ़ के जिंदगी भर में आपको एलील की डिफिनेशन समझ में नहीं आएगी। हाँ, याद करने के लिए है, आप याद कर लीजिए। सही सही समझना क्या है, विजुअलाइज क्या करना है, ये है हर करेक्टर के, हर मेंडेलियन करेक्टर के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है डोमिनेंट फॉर्म एक होता है रिसेसिव फॉर्म। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने प्लांट हाइट लिया है
तो प्लांट हाइट के दो फार्म होते हैं, एक टाल होता है, एक ड्वार्फ होता है, और ये जो दो अल्टरनेटिव फार्म ऑफ सेम कैरेक्टर हैं, इसी को हम कहते हैं एलील, यानी टाल का एलील ड्वार्फ है और ड्वार्फ का एलील टाल है। असल में जो एलील है वो एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, सही सही बताएं आपको, तो डोमिनेंट का एलील रिसेसिव है, रिसेसिव का एलील डोमिनेंट है, ठीक है ना। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो आपने करेक्टर को लेकर बता दिया कि हर करेक्टर के दो फार्म होते हैं, एक डोमिनेंट फार्म एक रिसेसिव फार्म, तो डोमिनेंट का एलील रिसेसिव है, रिसेसिव का एलील डोमिनेंट है, यानी टाल का एलील ड्वार्फ हुआ, ड्वार्फ का एलील टाल हुआ, ऐसे ऑल द सेवन करेक्टर आप पढ़े हैं, देख लीजिएगा उसको। ठीक उसी तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से हर फिनोटाइप के हर करेक्टर के दो अल्टरनेटिव फार्म होते हैं, उसी तरह से हर जीन के भी दो अल्टरनेटिव फार्म होने चाहिए, एक उस जीन का डोमिनेंट फार्म जो डोमिनेंट फार्म ऑफ करेक्टर को रेगुलेट करेगा, जैसे कैपिटल टी टाल फार्म ऑफ हाइट को रेगुलेट करेगा, और दूसरा वो जो उसका स्मॉल लेटर है लोअर केस है जो उसके रिसेसिव फार्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो रिसेसिव फार्म ऑफ फिनोटाइप को रेगुलेट करेगा, यानी कि जो ड्वार्फनेस को रेगुलेट करेगा। तो इस तरह से आप लॉजिकली बता सकते हैं कि असल में, और इसको अब इसको समझ सकते हैं, विजुलाइज आप कर सकते हैं कि आखिर में एलील है क्या चीज। आप कहिए कि भाई हर करेक्टर के दो रूप होते हैं, इसका प्रूफ क्या आपके पास है, तो आपके पास मेंडल के सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनके द्वारा बताया गया ऑल द सेवन करेक्टर के दो दो फार्म हैं, उन पर पता नहीं कितने रिसर्च हो चुके हैं, तो जो मेंडल की सारी फाइंडिंग्स हैं वो सब एक्सपेरिमेंटली प्रूवन हैं, लोगों ने उसको टेस्ट किया है, वेरीफाई किया है, मेंडल ने तो किया ही किया था। तो इस तरह से वहां पाया गया है कि हर करेक्टर के दो फार्म होते हैं, एक उसका डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है। इसे कहते हैं फ्लावर कलर में, तो फ्लावर में कहते हैं कि रेड होता है और व्हाइट होता है, हालांकि एनसीईआरटी बुक्स में रेड एंड पर्पल लिखा हुआ है, देख लीजिएगा उसको आपने, सॉरी व्हाइट एंड पर्पल लिखा है, व्हाइट एंड पर्पल, तो चाहे रेड एंड व्हाइट कहिए चाहे पर्पल एंड व्हाइट कहिए, ये तो बुक्स के राइटर की बात है, एनसीईआरटी में वहाँ पे रेड की जगह पे पर्पल लिखा हुआ देख लीजिएगा आप लोग, तो पर्पल एंड व्हाइट कह सकते हैं। जैसे पार्ट कलर में आप कहते हैं कि ग्रीन और येलो होते हैं, सीड शेप में आप जानते हैं राउंड एंड रिंकल्ड होते हैं, तो हर करेक्टर के दो फार्म होते हैं, एक डोमिनेंट फार्म होता है एक रिसेसिव फार्म होता है, और यही दोनों फार्म एक दूसरे के एलील कहलाते हैं। आई होप कि एलील की बात आपके समझ में ढंग से आ गई होगी, और इसमें कोई डाउट आपको पहले भी नहीं था, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं ही पहली बार बता रहा हूँ, आप सब जानने सुनने वाले लोग हैं पहले से ही, मैंने भी बताने का प्रयास किया है, आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना। हमने दो क्वेश्चन भी कर लिए यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा दो तीन दिन आप लोगों की क्लास शायद नहीं हो पाई थी, शायद क्या कन्फर्म नहीं हो पाई थी, उससे थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं क्लास लेने की कंडीशन नहीं था, इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। हम प्रयास करेंगे कि क्लासेज आपकी बंक ना हो, रेगुलर आपकी क्लासेज चलें। अब इमरजेंसी भाई कहीं आ जाती है कि मान लीजिए टीचर की तबीयत खराब हो गई, या सपोज करिए कहीं चला गया भाई, जैसे आप लोग की जिम्मेदारियां हैं, हम लोग की जिम्मेदारी, हम लोग के तो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी हैं, तो कभी कभी उनको निभाने के चक्कर में समय से नहीं उपस्थित हो पाते हैं, तो क्लास कभी कभी ऐसा होता है कि चली जाती है। हालांकि प्रयास किया जाएगा कि जिस दिन क्लास फिजिकली प्रेजेंट होकर ना लिया जा सके, उस दिन कोई ना कोई तरीका आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, यानी कि क्लास पहुंचाने का रहे वो रहेगा, और आपकी क्लास कोई इस तरह से नहीं जाएगी, बंग नहीं जाएगी। तो थोड़ा सा आज बहुत लंबी क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा, तबीयत बहुत थोड़ी सी बहुत ठीक नहीं है, हाँ ठीक हो गई है लगभग, तो अब क्लास आपकी रेगुलर चलेगी, तो आज की क्लास हम इसी नोट पर छोड़ रहे हैं। कल के क्लास में हम लोग और थोड़े से आगे बढ़ेंगे, और जो पढ़ेंगे उस पर जो क्वेश्चंस जो आते हैं या जो आने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी है, उस पर हम लोग सॉल्व करते रहेंगे साथ में। आप भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, अगर कहीं पर भी कोई पॉइंट डाउट में आपको हो तो आप उसे ज़रूर बताएं, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें, और इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को इतना क्रिस्टल क्लियर करके चलिए कि एग्ज़ाम जब भी हो तो आप बाकी लोगों से दो चार क्वेश्चन अवश्य आगे चले जाएँ। ये सब कुछ टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं, अभी तो एबीसी टाइप का चल रहा है, लग रहा है सब जनरल है, जनरल नहीं है, ये बहुत स्पेशल है, और इस पर आप लोग बाकी लोगों से आगे जरूर जाएंगे। इसी पॉइंट पे आज मैं आपकी क्लास नहीं रोक रहा हूँ, कल फिर हम लोग इसी को आगे फिर बढ़ाते हुए और जुड़ेंगे। आने वाले समय में बहुत जल्दी ही इसी वीक में आप बल्कि कह लीजिए इसी वीक में आप देखेंगे कि हम लोग जरा सा जो टॉपिक हम थोड़ा रोक के इसको बढ़ाए हैं उस टॉपिक पर भी पैरेलल क्लास चलती रहेगी, उसको भी हम पूरा करेंगे। इस तरह से आपको हम प्रयास करेंगे कि या तो
दो क्लास और नहीं तो एक लंबी क्लास थोड़ी आपको मिले, जिससे कि सिलेबस आपका समय से पूरा हो जाए। तो ये सब बातें हम आपको करके दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा हम कहने विश्वास नहीं करते, हम करने विश्वास करते, इसलिए मैं पहले हल्का सा कह के छोड़ देता हूँ, पहले करता हूँ तब उसको कहता हूँ हाँ ठीक है देखिए हमने जो कहा था उसको कर दिया। तो चलिए इसी पॉइंट पे आपकी क्लास हम यहीं पर रुकते हैं, फिर क्लास इस उम्मीद के साथ कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं और आप की तैयारी आगे बढ़ रही है, ढंग से पढ़ाई लिखाई आपकी हो रही है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।